वेलकम होम कृष्णा, आओ गृह प्रवेश करो। मनसर ने मेरा वजूद बचाने के लिए अपने घर वालों को नाराज कर दिया है। आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ द्वारकाधीश जी की, मुझे इतनी हिम्मत देना कि जिस भरोसे के साथ उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भरा है, उसी भरोसे के साथ मैं उनके घर में खुशियां भर सकूं। अग्नि के सामने फेरे लेते हुए मेरी हर कसम आर्यमन सर के लिए थी, पर आज एक कसम आपके नाम की लेती हूँ माँ। मेरा वादा है आपसे कि आपका बेटा आपसे और इस घर से कभी दूर नहीं होगा। ये आर्यमन बाबा का कमरा है, अब से आप यहीं रहेंगी। ये आर्यमन सर का कमरा है, तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? क्यों, देखना कितना अच्छा कमरा है, बेड कितना मुलायम है, इस पे तुझे कितनी अच्छी नींद आएगी। यहाँ कर रहे है तू, चुपचाप खड़े रहे, कुछ भी मत छूना। और नींद बिस्तर से नहीं आती, मन में चैन हो तो आती है। मेरा सिर पता नहीं क्यों इतना घबरा रहा है। तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? मैं तो तेरे लिए बहुत खुश हूँ, तेरी शादी इतने अच्छे परिवार में हुई है, और तेरी और आर्यमन सर की जोड़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस कर, बहुत हो गया, समझने की कोशिश क्यों नहीं? चल अब कमरा सुखाने में मेरी मदद कर, आजा। वैसे अच्छा एक्टिंग किया ना अंदर, अब वो दोनों सोएंगे बीले बिस्तर पर। तुम्हारा नाम यही मांगा था ना तुमने? थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। अब बस तुम इस कृष्णा पर हर वक्त नजर रखना, और जैसे ही वो आर्य के करीब आए मुझे बता देना। और हाँ, उसे उसकी औकात याद दिलाने का कोई मौका मत छोड़ना, ताकि उसे समझ आ जाए नौकरानी को रानी बनने के सपने नहीं देखने चाहिए, भले ही वो घर की बहू बनने के बाद क्यों ना हो। आप बस उसके जख्मों पर मरहम लगाने का काम करिए, और हम उसके जख्मों पर नमक छिड़कते रहेंगे। मैं ही इतने सालों में समझ नहीं पाया कि दुनिया में किसी से कितना भी प्यार कर लो, उसकी कैसी भी परवरिश कर लो, लेकिन जिसका जैसा खून होता है उसकी वैसी ही फितरत होती है।
तुझे जितना पैसा खर्च करना है कर ले, उसकी दाल रोटी का इंतजाम कर दे, उसके बाद खत्म कर दे शादी को। भूख लगी तभी तेरा मुंह फुला हुआ है ना? मेरा मुंह इसीलिए फुला हुआ है क्योंकि इतनी देर हो गई है और अभी भी आर्यमन सर को याद नहीं आया है। तू भूखी है, एक बार भी तुझे पूछने नहीं आया आर्यमन सर। अच्छा हुआ तुमने शावर ले लिया, बाहर की बहुत धूल मिट्टी चिपक गई थी तुम पर। वैसे तो पूरा परिवार साथ मिलके बैठ के खाता है, पर तुमने जो किया, जो हुआ उसके बाद किसी का मूड ही नहीं है खाने खाने का। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी अनन्या, किसी हाउस हेल्प को बोल देती वो ला देते। बैठो, मुझे करना था तुम्हारे लिए, मुझे अच्छा लगता है। मैं खा लूंगा बाद में। तूने तो कहा था ना कि तू द्वारकाधीश जी की दूत है, फिर उनके दूत को उनसे मिलने से मैं कैसे मना कर सकती हूँ? दादी, आप तो अनन्या मैडम की दादी है ना, बाकियों की तरह आप मुझसे गुस्सा नहीं है? हाँ हूँ, कि मुझे ये पता है कि बिना भगवान की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, फिर चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। शायद आर्यमन और तेरे संजोग जुड़े हुए हैं, इसीलिए तो हम द्वारका आए तुझसे मिले। और द्वारकाधीश जी वाला वो सिंदूर जो मैंने अनन्या के लिए मंगवाया था, वो आर्यमन के हाथ से तेरी मांग में लग गया। अरे, तूने सिंदूर क्यों नहीं लगाया है? दादी वो बस देख, सुहागन की मांग सुनी अच्छी नहीं लगती, उसमें हमेशा सिंदूर भरा रहना चाहिए। लो, लगाओ सिंदूर।